हेलो एवरीवन, आई एम राहुल मेरतिया एंड टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ ग्रेट टॉपिक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू स्पीक इंग्लिश बेसिकली वैन यूवर वी फाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश दैट टाइम वी स्टक एल्स वायल स्पीकिंग इंग्लिश वायल मेकिंग सेंटेंसेज टुडे आई मेक टेन हाउ कैन यू यूज कीप ऑन कीप ऑन का आप यूज किस तरह से करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो दोस्तों बेसिकली देखिए भाषा की बातचीत कर रहा हूं और आपको पता है भाषा के बिना आपका कम्युनिकेशन अधूरा है और इस भाषा पर अगर आप पकड़ बनाते हैं तो मजबूती के साथ आप अपने आप को किसी के सामने पेश कर पाते हैं आप एक अच्छी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बातों को किसी के सामने बहुत आसानी से रख सकते हैं तो आज इस भाषा को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि स्पोकन इंग्लिश की मैं बातचीत कर रहा हूँ आपके सामने देखिए आपके सामने कीप ऑन है और कीप ऑन का क्या यूज़ होता है उससे ठीक पहले लिखा हुआ है कीप दोस्तों कीप एक वब का काम करता है या फिर कई बार एक नाउन का भी काम करता है ठीक है वब यानी आप जानते हैं कोई एक्शन और नाउन के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ तौर पे अगर ऊपरी तौर पर या मोटे तौर पर अगर अपन बात करें तो कीप का अर्थ वब के लिहाज से होता है किसी चीज़ का किसी एक्शन का कंटिन्यू होना और इसके अलावा नाउन में इसे हम आजीविका बोल सकते हैं या फिर अपन कैद भी बोलते हैं इसको चलिए इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं देखिए सबसे पहले के रूप में अगर अपन बात करते हैं कीप की तो यहां पर जो कीप ऑन था कीप ऑन था यानी जारी रहना टू स्टे इन अ पर्टिकुलर पहला मैं आपको इसके दो तीन अर्थ हैं अलग अलग मायने हैं सबसे पहला मैं बता रहा हूं टू स्टे इन अ पर्टिकुलर कंडीशन और पोजीशन टू मेक समबडी समथिंग डू दिस कई बार किसी चीज के साथ ठहरे रहना यानी बने रहना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करते हैं हडल का अर्थ होता है झुंड में खड़े होना या झुंड में एक साथ इकट्ठे होना वी हडल to टू कीप ठीक है यानी कि हम हडल uh, past second फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर तो इसका अर्थ सीधा है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है अभी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें मैं आगे कुछ सेंटेंसेज लेकर जब जाऊँगा तब आपको चीजें और समझ आएंगी यहाँ पर ये कहा गया है कि वी हडल टुगेदर टू कीप वाम यानी कि हम एक जगह एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए कि ताकि हम क्या रह सकें वाम रह सकें तो इसलिए यहाँ पर कीप का यूज़ हुआ है इससे आगे देखिए कंटिन्यू यानी कि किसी चीज़ को कंटिन्यू करना किसी एक्शन को जैसे आप कहते हैं कीप प्लेइंग इसका अर्थ होता है खेलते रहो कीप स्लीपिंग यानी कीप के ठीक बाद आपने क्या यूज किया कीप के ठीक बाद आपने यूज किया है एक्शन प्लस आई एन जी यह आप देख सकते हैं एक्शन प्लस आई एन जी इसके बाद कीप स्लीपिंग इसकी जगह पर आप कह सकते हैं keep, uh, keep learning, इसका अर्थ सीखते रहो आपके सामने और लिखा हुआ यानी कि इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कीप ऑन प्लेइंग खेलते रहो कीप ऑन स्लीपिंग यानी सोए रहो तो आप देख सकते हैं इसमें यह देखिए नेक्स्ट पुट स्टोर यानी किसी चीज को रखना टू पुट और स्टोर समथिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस ठीक है किसी चीज को रखना यानी कि जब आप कहते हो कि ये फोटो अपने वॉलेट में रख लीजिए यानी कीप योर फोटो इन योर वॉलेट ठीक है तो आप कहते हैं जैसे कि ये मार्कर अपने पॉकेट में रख लीजिए तो कैसे कहेंगे कीप दिस मार्कर इन योर पॉकेट ठीक है आप यह पेन अपने पास रख लीजिए या अपने घर रख लीजिए जब भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो कीप का यूज़ करते हुए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं अब देखिए आगे की जो बातचीत है वो आप किस तरह से सेंटेंस बनाने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले लिखा हुआ कीप या फिर कीप्स ऑन प्रेजेंट के लिहाज से अपन देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो आपको पता है बेसिक लेवल पर सब्जेक्ट लगाते हैं कीप ऑन लगाते हैं एक्शन का यूज करते हैं आप और प्लस आईएनजी अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनाने वाले हैं आप आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल आई कीप ऑन इंजॉइंग इसका अर्थ है कि मैं इंजॉय करता रहता हूं अब दोस्तों समझने वाली बात यह है आपके सामने कि मैंने कहा था कीप ऑन प्रेजेंट की बात होती है यानी कि थोड़ी देर पहले कहा था मैंने कीप keep या कीप्स ऑन तो यानी कि कोई भी एक्शन जब हम करते रहते हैं करता रहता हूँ या करती रहती हूँ या करते रहते हैं अलग अलग लिहाज से आप बोलते हैं जैसे आई कीप ऑन इंजॉइंग यानी कि मैं इन्जॉय करता रहता हूं अगर मैं कहूँ मैं पढ़ाता रहता हूँ तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कीप ऑन टीचिंग यही स्ट्रक्चर यूज करें आप और इस तरह से आप बना सकते हैं आई कीप ऑन टीचिंग ठीक है दूसरा एग्जाम्पल और समझ सकते हैं इसका कि वह चापलूसी करता रहता है फ्लेटरिंग फ्लेटरिंग आपके सामने जो लिखा हुआ है दोस्तों फ्लेटरिंग इसका अर्थ होता है चापलूसी करना ठीक है तो ही कीप्स ऑन फ्लेटरिंग विद हिम वह मेरे साथ चापलूसी करता रहता है ही कीप्स ऑन फ्लेटरिंग विद मी ठीक है तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझे, आप देखिए आपके सामने अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो किस तरह से बनाते हैं तो खास बात आपको ध्यान रखनी है ये बहुत बेसिक बात है अगर आप आ, का सब्जेक्ट जो है वो आप पाते हैं सिंगुलर तो आप डज का यूज करते हैं आपका सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो आप डू का यूज करते हैं उसके साथ नोट लगाइए आप कहते हैं मैं पढ़ता नहीं रहता हूं तो आई डोंट कीप ऑन स्टडिंग मैं खेलता नहीं रहता हूं आई डोंट कीप ऑन प्लेइंग ठीक है मैं सोता नहीं रहता हूँ आई डोंट कीप ऑन स्लीपिंग तो इस प्रकार से वह गाना नहीं गाता रहता है तो ही डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग वह डांस नहीं करता रहता है तो ही डज नॉट कीप ऑन डांसिंग ठीक है अब देखिए एक सेंटेंस आपके सामने वह ताश नहीं खेलता रहता जरा सा आप दिमाग लगाएं बहुत बेसिक बातचीत है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी वह ताश नहीं खेलता रहता स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से जब आप बेसिक सेंटेंस को सीखते जाते हैं तब चीजें आपको धीरे धीरे और अच्छे से आने लग जाती है तो आप इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें ताश ताश पत्ती आप जानते हैं तो वह के लिए आप क्या यूज करते हैं बताइए तो आप ये कहेंगे ना ही कीप्स ऑन प्लेइंग कार्ड्स ही कीप्स ऑन Playing कार्ड्स ठीक है बहुत बेसिक बातचीत है उसमें कुछ खास नहीं इससे आगे वाला सेंटेंस आप बनाने का कष्ट करेंगे हिम्मत जुटाएं ये हमारा सेंटेंस था ही अभी वह ताश नहीं खेलता रहता ये सॉरी मैंने आपके सामने जो सेंटेंस बनाया था दोस्तों ये सेंटेंस है पॉजिटिव सिंपल है ठीक है और यहां पर जरूर थी नेगेटिव की तो नेगेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव होगा तो ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग कार्ड्स ये देख लीजिए नेगेटिव ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग कार्ड्स ठीक है क्या आप पूरे दिन सोते रहते हो इस प्रकार से क्या आप पूरे दिन सोते रहते हो तो बताइए इसका क्या जवाब होने वाला है इंटरोगेटिव क्वेश्चन है इंटरोगेटिव है तो जवाब दें बहुत बेसिक है ठीक है डू यू कीप ऑन स्लीपिंग ऑल डे नेक्स्ट की बात करते हैं क्या वह बकवास करता रहता है बकवास करना क्या होता है बकवास करना बताइए तो इसका सेंटेंस देख लीजिए डज ही कीप ऑन टॉकिंग रबिस डज ही कीप ऑन टॉकिंग रबीस क्या आप मेरे पास आते रहते हो इंटरोगेटिव है तो आप कह देंगे डू यू कीप ऑन कमिंग टू मी दोस्तों इन कुछ सेंटेंसेस के बाद में मैं आपके सामने कुछ वोकेब जो कि ज़्यादा संख्या में नहीं है लेकिन जो हैं वो सीखने वाली हैं उनको बहुत अच्छी ट्रिक से यानी कि हम बहुत आराम से जो हमारी आम जिंदगी में जिस प्रकार से यानी हम कहें तो देसी भाषा में सिखाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा तो आप अंत तक जुड़े रहें उन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें वो ज़्यादा नहीं है संख्या में ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी क्वालिटी यानी उसको सीखने का जो तरीका है समझाने का जो तरीका है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा तो वो आ, आगे सीखने वाले हैं कुछ सेंटेंसेज और कर लेते हैं देख सकते हैं ही डिड नॉट तो आपको इसमें एक खास बात तो नहीं है बहुत बेसिक बात है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं इसलिए डिड डिड के बाद में लिखा हुआ है कीप तो ही डिड नॉट कीप ऑन टीचिंग यानी वह पढ़ाता नहीं रहा ठीक है इतने दिन वह पढ़ाता नहीं रहा पता नहीं क्या कर रहा था चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आप गप्पे लड़ाते रहे गप्पे लड़ाना क्या होता है गोसिप जी ओ डबल एस आई पी गोसिप होता है तो आप देख सकते हैं डिड यू कीप ऑन गोसिपिंग डिड यू कीप ऑन गोसिपिंग ठीक है प्रैक्टिस की बात करते हैं देखिए कुछ सेंटेंसेज है वह मेरे लिए खाना बनाती रही वह मेरे लिए खाना बनाती रही तो दोस्तों इस सेंटेंस को आप किस तरह से करने वाले हैं अपना दिमाग लगाएं और बताएं वह फीमेल कैटेगरी के लिए यूज हुआ तो आपने कहा सी कैप्ड ऑन मेकिंग या फिर आप कह सकते हैं कुकिंग फूड मी ठीक है बहुत आराम से आपको समझ आने वाली बातचीत है ठीक है इससे आगे अपन चलना चाहेंगे वह मुझे मिस करती रही ठीक है वह मुझे मिस करती रही तो इसे कैसे कहने कहने वाले हैं अपन तो वह फीमेल स्पोकन इंग्लिश के आधार पर ये जो सेंटेंसेस हैं ये आम जीवन में आप बोलते हैं दोस्तों और बोलते हैं तो हम हिंदी में क्यों बोले फिर इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर लें दिक्कतें आती हैं तो चलिए देखिए सी ऑन मिसिंग मी ठीक है C, विल कीप ऑन एक्शन प्लस साइन जी एन फ्यूचर का मैं खेलता रहूँगा मैं पढ़ता रहूँगा मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा मैं इस चैनल पर आपका वीडियो देखता रहूँगा मैं आपके साथ घूमता रहूँगा मैं आपको याद करता रहूँगा इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों वो कैसे बनने वाले हैं देखते हैं देखिए मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा ठीक है मैं आपसे प्रेम करता रहूँगा तो ये एक सेंटेंस है ऐसी चीज़ें कई बार आप देखने को मिलती है बहुत सारे लोग बोलते हैं तो आई विल कीप ऑन लविंग यू ठीक है आई विल कीप ऑन लविंग यू वह शराब पीता रहेगा कोई ऐसा आदमी है जिसे नहीं छूट पा रही होगी और पूर्ण विश्वास से आप बहुत अच्छे ढंग से उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी जागरूक है और अपने कार्यों के प्रति काफ़ी गंभीर है तो हमें उसको देखकर लगा कि वह शराब पीता रहेगा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा तो उस चीज़ को आपने देख लिया तो आपकी जवाबदारी ये बनती है कि उसकी इंग्लिश सीख ले तो बेहतर होगा तो ही विल कीप ऑन ड्रिंकिंग ठीक है चलिए एक और सेंटेंस हम मेहनत करते रहेंगे ठीक है कई लोग फेल हो जाते हैं ठीक है अलग अलग कार्यों में थोड़ा सा अलग अलग बहुत सारे कार्य होते हैं उनमें फेल हो जाते हैं तो वो कहते रहते हैं हम मेहनत करते रहेंगे और इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे वी विल कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी देखिए इसकी प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत क्या आप अंग्रेज़ी बोलते रहोगे कोई आदमी आ जाए और नहीं रुके या फिर कोई आदमी ऐसा हो जो ड्रिंक वगैरह करता हो और रात को बोलना शुरू कर दे अंग्रेज़ी अचानक तो आप कहोगे भाई साहब क्या आप अंग्रेज़ी बोलते रहोगे तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उन्हें अपन कैसे कहने वाले हैं चलिए इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनको अपन बनाने की कोशिश करते हैं विल यू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश क्या आप हिंदी बोलते रहेंगे विल यू कीप ऑन स्पीकिंग हिंदी क्या आप संस्कृत बोलते रहेंगे विल यू कीप ऑन स्पीकिंग संस्कृत क्या आप उर्दू बोलते रहेंगे विल यू कीप ऑन स्पीकिंग उर्दू तो इस प्रकार के आप सेंटेंस देख सकते हैं वह है इस चैनल से अंग्रेजी सीखती रहेगी ठीक है तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको और बना लेते हैं देखिए वह है, तो फीमेल है तो सी विल कीपऑ ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू दिस चैनल या बाई दिस चैनल ठीक है अब देखिए दोस्तों आपके सामने ये कीप ऑन से मैं एक बार थोड़ा सा बहुत जल्दी रिवाइज कर रहा हूं सुने ध्यान से मैं खेलता रहता हूं आई कीप ऑन प्लेइंग मैं खेलता रहा आई केप्ट ऑन प्लेइंग मैं खेलता रहूँगा आई विल कीप ऑन प्लेइंग तीन प्रकार की बातचीत है कि आपके सामने हुई थी अब देखिए कुछ वोकेब्स पांच वोकेब है बड़े ही देसी अंदाज़ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ बड़े ध्यान से सुनेंगे देखिए अबेस ए बी ए एस ई दोस्तों अबेस का अर्थ होता क्या है उस बारे में हम बाद में सीखेंगे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इसको मैं समझा कैसा रहा हूँ इसको आपको मैं बता कैसे रहा हूँ देखिए ये क्या लिखा हुआ बेस यानी किसी व्यक्ति का बेस तैयार नहीं है समाज में उसका कोई आधार ही नहीं है तो बताओ उसकी इज्जत कौन करेगा यानी अपमानित होगा तो टू डिग्रेड समवन किसी को अपमानित करना ठीक है किसी को सम्मान नहीं देना तो अब बेस से आप सीधा याद रखें बेस नहीं है तो सम्मान नहीं मिलेगा तो टू डिग्रेड समवन किसी को अपमानित करना ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडमोनिश ठीक है आपके सामने नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एडमोनिस अद यानी आदा ठीक है ये तरीका है देखिए अलग अलग तरीके होते हैं आपको किस ढंग से चीजें समझ आती हैं ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है हमारा तो आप इस चीज को समझिए अद यानी आधा मोनिस मोनिस से मानस मानस आप जानते हैं मानस किसको कहते हैं कोई व्यक्ति को अदमानस यानी कि जो आदमी अदमानस हो कोई बात ही नहीं माने तो उसको भाई प्यार लाड तो कोई नहीं करेगा उसको डांटेंगे तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था स्कोल्ड है डांटना टू समवन अदमानस जिसको समझाया नहीं जा सके उसको डांटना पड़ता है चलिए नेक्स्ट अब, अब, स्ट्रूज, अब स्ट्रूज का अर्थ क्या होता है आज का जो टाइम है दोस्तों वो क्या है जो आदमी झूठ बोलता है ना उसको तो मान लेते हैं जो सच बोलता है उसकी बात ज्यादा नहीं मानते अब जो आदमी ट्रू बोलता है अब जो आदमी अब स्ट्रूज अब जो आदमी ट्रू बोलता है उसे हार्ड टू अंडरस्टैंड यानी कि उसे समझना क्या है मुश्किल है हार्ड टू अंडरस्टैंड चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है अरेक ठीक है आपका लिखा हुआ है अरेक। तो दोस्तों अरेक वर्ड रेक रेक जानते हैं कोई भी रेक होती है सामान वगैरह रखने की ठीक है जो आदमी ड्रिंक करने वाला होता है वो ऐसे नहीं देखता किस चीज़ की रेक है कहीं पे भी अपनी जो पीने की जो ड्रिंक है व्यवस्था है उसको कहीं पे भी रख सकता है ठीक है इसे अपन रेक से याद रखेंगे रेक किसी भी रेक में रख देता है उसको नहीं चाहिए उसको चाहिए एन एनअल्कोहोलिक ड्रिंक ठीक है क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है नेक्स्ट वर्ड है अंतिम वर्ड है एफरट देखो बच्चों दोस्तों एफ्रंट जो लिखा हुआ है एफ्रंट फ्रंट होता है सामने फ्रंट वाला देखिए आप फ्रंट यानी सामने सामने यानी खुले में खुले में यानी पब्लिक में और पब्लिक में किसी की इंसल्ट करना टू इंसल्ट समवन इन पब्लिक पब्लिक में किसी की इंसल्ट करना क्या होता है एफ्रंट होता है ठीक है दोस्तों आज इतने ही वर्ड्स इतने ही वोकैब्स आपके सामने इसके साथ में स्पोकन का कुछ दायरा कवर करने की कोशिश हमने की करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होगी इसके अलावा फिर भी इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस सेशन यू कैन कमेंट इन आर कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे